ये वो लोग हैं, ये अरविंद केजरीवाल वह व्यक्ति हैं जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पे सवाल उठाया था। ये तरीके जिसमें इंडिया की आर्मी के ऊपर संदेह उत्पन्न कराना, इंडिया की आर्मी को इंडिया के सिटीजन्स के विरोध में खड़ा कर देना, लोगों को अपनी ही आर्मी के खिलाफ भड़काना, यह काम अरविंद केजरीवाल और कुछ राजनीतिक दल के लोग अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। अग्निवीर योजना को लेकर मोदी सरकार पिछले कुछ समय से भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं से लेकर विपक्ष के निशाने पर है। इसी बीच अग्निवीर योजना में जाति प्रमाण पत्र और धर्म प्रमाण पत्र मांगने को लेकर बवाल मच गया है। अग्निवीर योजना के लिए जरूरी दस्तावेजों की सूची सोशल मीडिया पर जारी करते हुए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। संजय सिंह ने पूछा कि क्या मोदी जी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को सेना भर्ती के काबिल नहीं मानते। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि भारत के इतिहास में पहली बार सेना भर्ती में जाति पूछी जा रही है। मोदी जी, आपको अग्निवीर बनाना है या जातिवीर? अग्निवीर योजना को लेकर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी मोदी सरकार पर हमलावर नजर आए। तेजस्वी यादव ने इस मामले को जातिगत जनगणना से जोड़ते हुए कहा कि जात न पूछो साधु की, लेकिन जात पूछो फौजी की। तेजस्वी यादव ने कहा कि संघ की बीजेपी सरकार जातिगत जनगणना से दूर भागती है, लेकिन देश सेवा के लिए जान देने वाले अग्निवीर भाइयों से जाति पूछती है। तेजस्वी यादव के मुताबिक ये जाति इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि देश का सबसे बड़ा जातिवादी संगठन आरएसएस बाद में जाति के आधार पर अग्निवीरों की छटनी करेगा। एक अन्य ट्वीट में तेजस्वी यादव ने अग्निवीर योजना के तहत 75% सैनिकों की छटनी की ओर इशारा करते हुए पूछा कि सेना में जब आरक्षण है ही नहीं तो जाति प्रमाण पत्र की क्या जरूरत। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद बीजेपी ने विपक्ष पर पलटवार किया है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि सेना ने 2013 में सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में स्पष्ट किया था कि वह जाति, क्षेत्र और धर्म के आधार पर भर्ती नहीं करती है। सेना प्रशासनिक सुविधा और परिचालन आवश्यकताओं के लिए एक क्षेत्र से आने वाले लोगों के समूह को एक रेजिमेंट में रखने को उचित ठहराती है। और कुछ नेताओं का कहना है कि ये तो इंडियन आर्मी जो है ये जाति के आधार पर रिक्रूट करना चाहती है, पिछड़े और जो जनजातीय लोग हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करना चाहती है, उनके साथ भेदभाव करना चाहती है। दुख है इस बात का कि माननीय सदस्य अर्थात जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, क्या वो अनभिज्ञ हैं? क्या वो जानते नहीं हैं हकीकत क्या है? मैं बताता हूं आपको हकीकत क्या है। हकीकत है कि जो भारत की सेना है, इंडियन आर्मी, वो किसी भी कीमत पे धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर रिक्रूटमेंट नहीं करती है। द इंडियन आर्मी डज नॉट रिक्रूट एज पर द कास्ट और द रिलीजन ऑफ द एप्लीकेंट। जाति और धर्म से कहीं ऊपर हिंदुस्तान की सेना है, फिर भी ये जो कॉलम है ये क्यों है? इसका उत्तर 2013 में देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के पटल पे मिला। एक इंडिविजुअल ने इस पे पीआईएल दाखिल किया था सुप्रीम कोर्ट में और कहा था कि जातीय और धर्म के आधार पर क्यों ये कॉलम होते हैं इंडियन आर्मी में। तो 2013 में ही एक सत्यपत्र अर्थात एफिडेविट सबमिट करके भारत की सेना ने सुप्रीम कोर्ट में अपने मत को स्पष्ट किया था और कहा था कि देयर इज नो रोल इन द सिलेक्शन प्रोसेस एज फार एज कास्ट इज कंसर्न। कोई रोल नहीं है, कोई भी इसमें धर्म और कास्ट के आधार पर सिलेक्शन का रोल नहीं है, किंतु एक प्रशासनिक अर्थात एडमिनिस्ट्रेटिव और संचालन या परिचालन, जिसको अंग्रेजी में ऑपरेटिव कहते हैं, यह एक ऑपरेटिव रिक्वायरमेंट है, यह एक प्रशासनिक या एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट में इंडिया की आर्मी ने कहा था धर्म का जो कॉलम है क्यों मांगा जाता है। बहुत स्पष्ट रूप से आर्मी ने कहा है हमारे
रिक्रूटमेंट प्रोसेस में धर्म का कोई स्थान नहीं, किंतु अनफॉर्चुनेटली अभाग्यवशत यदि कर्म क्षेत्र में युद्ध के समय किसी जवान को शहादत या वो बलिदान को प्राप्त हो जाता है तो उसकी जो अंत्येष्टि की जाएगी, उसके जो अंतिम क्रियाएं की जाएंगी वो कैसे की जाएंगी, ये निर्धारित करना भी सेंसिबिलिटी और सेंसिटिविटी के आधार पर होता है। इसलिए धर्म का एक कॉलम होता है। उसके बावजूद ये जानते हुए संजय सिंह और आम आदमी पार्टी और कुछ और नेताओं ने जिस प्रकार का सवाल उठाया है, ये कुल्छित सवाल है, ये मन को कष्ट देने वाला सवाल है। इसी बीच सेना ने भी अग्निवीर योजना में भर्ती को लेकर लग रहे इन आरोपों का खंडन करते हुए साफ कहा कि सेना में किसी भी भर्ती में पहले भी उम्मीदवारों से जाति प्रमाण पत्र और धर्म प्रमाण पत्र मांगा जाता था। इसे लेकर अग्निपथ योजना में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि भर्ती योजना के प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मोदी सरकार की लाई अग्निपथ योजना में अग्निवीरों की भर्ती ऑल इंडिया ऑल क्लास के तहत होगी, यानी कोई भी अग्निवीर किसी भी रेजिमेंट और यूनिट में तैनात किया जा सकता है। अब तक सेना की इन्फेंट्री रेजिमेंट में सैनिकों की भर्ती में जाति धर्म और क्षेत्र को वरीयता दी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ऐसी स्थिति में तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बीच यह सवाल तो उठता ही है कि ऑल इंडिया ऑल क्लास भर्ती में जाति प्रमाण पत्र का क्या काम। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।